हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग। तो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस को पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप इसे देख सकें। अब हम बात करते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंस की कि इन्फिनिटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनती है, आइए देखते हैं। तो जैसे दिया है ही इज़ टू हेल्प मी, तो अगर इस प्रकार अगर कोई भी वाक्य हो तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को ला करके सब्जेक्ट में बदलना होता है। उसके बाद इसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर या वाज वर, वाज वर हो सकता है, नेगेटिव होगा तो यहाँ नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद टू लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। जैसे दिया है कि ही इज टू हेल्प मी, अगर हम इसे पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले जो वर्ब है वर्ब के बाद ही हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट मी, मी जैसे ही इधर आएगा तो वह आई हो जाएगा। आई के साथ यहाँ चूंकि प्रेजेंट में है तो यहाँ हम इज का प्रयोग, एम का प्रयोग करेंगे इज एम आर में से। नेगेटिव नहीं है तो उसके बाद नॉट नो लगा के तुरंत यहाँ टू बी करना है और वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देना है, उसके बाद बाई, और ही यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हिम। तो हो गया ही इज टू हेल्प मी, तो पैसिव हुआ आई एम टू बी हेल्प्ड बाय हिम। तो फिर अगला जैसे दिया है कि यू आर टू बाय अ बुक, तो यहाँ अगर हमको पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलना होता है, तो वह हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वर्ब के तुरंत बाद मिलता है, तो यहाँ वर्ब बाई, बाई के तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट मिला हुआ है तो यह जैसे ही पैसिव वॉइस में बदलेगा यह सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। उसके बाद इज एम आर वाज वर्ब में से देखना है क्या लगना है, तो प्रेजेंट में है सिंगुलर नंबर होने पर इज का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नो लगा कि उसके बाद टू बी लग जाना है तो यहाँ हो जाएगा टू बी। तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब बाई है और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात बाई लिखना है तो बाई लिख दिया गया, और ऑब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। फिर अगला देखते हैं, दिया है सी वाज टू डू हर वर्क, अब यह पास्ट में आ गया है कि सी वाज टू डू हर वर्क। अब अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पुनः हमको सबसे पहले वर्ब, वर्ब के तुरंत पश्चात ही ऑब्जेक्ट मिलना है, तो ऑब्जेक्ट है हर वर्क, यहाँ लिख दिया जाएगा हर वर्क। पास्ट में है तो यह अब देखना है कि जो हम सब्जेक्ट बनाए हैं वह सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर हो इसलिए वाज, प्लूरल नंबर होता तो वर्क का प्रयोग कर देते, तो हर वर्क वाज। उसके बाद फिर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ फिर टू बी का प्रयोग करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, तो अगला एग्जांपल है कि यू हैव टू हेल्प हिम, अब यहाँ ध्यान देना है कि हैव टू, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, हैव के बाद तुरंत टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैव के बाद तुरंत वर्ब और वह भी थर्ड फॉर्म होता, तो ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के रूप से बनाना है। दूसरा कार्य यहाँ जैसे ही हैव आ गया है तो यह जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वर्ब है इसकी जगह पे हम हैज, हैव या हैड इसका हम प्रयोग कर देते हैं, बाकी रूल जैसे है वैसे ही रहता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हमको ढूंढना है सबसे पहले वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम,
तो हिम जैसे ही आएगा इधर तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट में बदल करके ही। ही यहाँ सिंगुलर नंबर में है, यू प्लूरल में है तो हैव लगा है, ही सिंगुलर में होने पर यहाँ हम हैज का प्रयोग कर देंगे। उसके पश्चात हमको तुरंत टू और बी वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा हेल्प्ड, उसके बाद बाई, और ये जो यू है यह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन करके यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो यू लिख देंगे, यानी इज एम आर वाज वर्ब की जगह यहाँ हैज हैव या हैड हो गया, बाकी जो रूल जैसे था वैसे रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि सी हैज नॉट टू वॉच द मूवी। यहाँ हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो पुनः वही वर्ब के तुरंत बाद मिलता है तो ऑब्जेक्ट हो गया द मूवी, यहाँ हो जाएगा द मूवी। यहाँ मूवी सिंगुलर नंबर में है या भी सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट में है इसलिए हैज, अगर वही पास्ट में होता तो हैड, सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ हैड लगता। उसके बाद यहाँ ध्यान देना है नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने पर तुरंत यहाँ नॉट फिर टू बी का प्रयोग करना है, अब यहाँ हो जाएगा नॉट, अब ये हो जाएगा टू बी, और वर्ब थर्ड फॉर्म तो वॉच है तो वॉच का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा वॉच्ड, उसके बाद बाई, और बाई सब्जेक्ट को ले आकर के ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ये हो जाएगा हर। अगला फिर देखते हैं, अब दिया है कि वी ऑट टू, अब यहाँ ध्यान देना है ये मॉडल में आता है लेकिन इसके साथ टू लगा हुआ है तो यह टू लगने पर टू के ही रूल से बनता है इसलिए इसको इसमें लिखा गया है। तो अब अगर हम यहाँ ढूंढते हैं हमको ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमारा जो वर्ब है वह है ऑनर, ऑनर के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा है वह है आवर नेशनल फ्लैग, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित होकर के, तो चूंकि यह नाउन है इस प्रकार किसी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है तो एडजेक्टिव और नाउन जैसे है वैसे लग जाएगा, ये हो जाएगा आवर नेशनल फ्लैग। उसके बाद ऑट जिस प्रकार है उसी प्रकार ऑट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ ऑनर, ऑनर का थर्ड फॉर्म होता है ऑनर्ड, उसके बाद बाई, और यहाँ वी का जो ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा अस। तो इस प्रकार से जो भी इन्फिनिटिव आएगा हम उसका पैसिव बना सकते हैं, बस अगर प्रेजेंट में है इज एम आर के प्रयोग में है तो इज एम आर या वाज वर्ब, हैज हैव टू का है तो हैज हैव या हैड जिस प्रकार होगा वह लगा देंगे, बाकी जैसे रूल है वैसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है कि समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया, समवन स्टोल माई वॉच। तो कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका हम जब पैसिव बनाते हैं तो उस पैसिव बनाते समय कभी कभी जो सब्जेक्ट है जो डूअर है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो जो बाई और सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बदल करके लिखा जाता है तो वहाँ उसको लिखना आवश्यक नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया है कि समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया, तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का यहाँ रूप ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा माई वॉच। अब जिस टेंस में है उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हम लिख देते हैं तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में होने पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर नंबर, वर्ब थर्ड फॉर्म स्टोलेन, उसके बाद हमें लिखना है बाई और सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखा है कि किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया है, पता नहीं है किसने चुराया हुआ है, तो इसलिए माई वॉच वॉज स्टोलेन, मेरी घड़ी चोरी कर ली गई, अब चुराया किसने उसका पता ही नहीं है, तो उसको लिखना आवश्यक नहीं है, हम नहीं लिखेंगे तभी चलना है। तो यहाँ पे केवल हो जाएगा माई वॉच वॉज स्टोलेन, मेरी घड़ी चोरी कर ली गई या मेरी घड़ी चुरा ली गई। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि समवन हैज ब्रोकन माई वॉच, यानी समवन हैज ब्रोकन माई वॉच, किसी ने मेरा जो फूलदान था यानी गमला था उसने तोड़ दिया, अब किसने तोड़ा पता नहीं है, तो यहाँ जो डूअर है वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसने तोड़ा पता ही नहीं है, लेकिन वह मैटर बताया जा रहा है कि मेरा जो वॉच था वह तोड़ दिया गया। तो अगर हम इसको भी पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यह समवन समाप्त हो जाएगा, जैसे यहाँ समवन समाप्त हो गया है,
तो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माई वॉश सिंगुलर नंबर में, तो प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट के रूप से यहाँ पैसिव बनेगा, तो यहाँ बीन हो जाएगा। और वर्ब थर्ड फॉर्म पहले से ही है ब्रोकन, माई वॉश हैज बीन ब्रोकन। अब बाई समवन यहाँ लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहीं पर यह समाप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसी तरह दिया है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में जो लोग हैं अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका भी जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्योंकि जो बोलने का कार्य वह लोग ही करते हैं, किसी स्पेशल पर्सन व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लिया गया है, पूरे यानी पूरी कम्युनिटी पूरे लोग से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी यह डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब पैसिव बनेगा तो बाई के बाद उस पैसिव यानी पीपल को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अब इधर नहीं मिलेगा, हमको सबसे पहले वर्ब ढूंढना होता है, वर्ब के दूरत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तो वर्ब स्पीक है, स्पीक के बाद इंग्लिश है, ना कि उधर से हम वर्ड को लेकर के आएंगे। जो वर्ब उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश ऑब्जेक्ट। अब यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में है इसलिए सिंगुलर नंबर होने पर यहाँ इज लगा देंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो स्पीक का जो थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन होता है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। अब इस डूअर को लिखना आवश्यक नहीं है, बाकी जितना बचा हुआ है हम लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब यहाँ पर बाई पीपल लिखना आवश्यक नहीं है, बस इतना ही में हो जाएगा कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी की पैसिव बनती है, कभी कभी जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो प्रीपोजिशन जुड़ते ही वह इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब में परिवर्तित हो जाता है और उसकी पैसिव बनती है। जैसे देखते हैं तो जो लाफ है वह इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन यह जैसे ही इसके साथ ऐड आ गया है यह हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसकी पैसिव बनेगी। तो अब यहाँ अस को जैसे ही हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो यह हो जाएगा वी, पास्ट इंडिफिनिट में है इसलिए यहाँ पे वर लगा देंगे, और लाफ्ड एट एक ही साथ लिखना है। थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म पहले से ही था ये, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड, तो यह सेकेंड और थर्ड दोनों होता है, तो इसलिए लाफ्ड एट उसके बाद यहाँ पर हम बाई जिस तरह रूल लगता है बाई लगा दिया जाएगा, और दे को इधर ला करके हम देम कर देंगे, ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देंगे कि वी वर लाफ्ड एट बाई देम। अगला एग्जांपल देखते हैं, फिर दिया है कि यू लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ पर भी लुक यह इनट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे इसके साथ आफ्टर या प्रीपोजिशन लग गया है यह ट्रांजिटिव हो गया, इनट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में परिवर्तित हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, यानी आप मेरे छोटे भाई की देखभाल करते हैं। तो जैसे ही अब यह हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा माई यंगर ब्रदर, अब ये हो गया माई यंगर ब्रदर, सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो यहाँ हो जाएगा इज, अब ये लुक्ड आफ्टर हो जाएगा लुक्ड आफ्टर। अब ये ध्यान देना है प्रीपोजिशन को हम थर्ड यानी उसमें ईडी हमको जोड़ करके नहीं बनाना है, जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, जैसे यहाँ लाफ्ड तो पहले से ही था, यहाँ लुक है तो लुक आफ्टर्ड न करके यहाँ लुक्ड आफ्टर, क्योंकि जो वर्ब है उसको पैसिव में उसको हमको थर्ड फॉर्म लिखना है और उसके साथ ही केवल प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, तो वही हो गया माई यंगर ब्रदर इज लुक्ड आफ्टर। अब यहाँ पर जो बाई है वह लिख देंगे बाई, और यू ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो यू ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो रूल थे वह हुए, क्योंकि ये तमाम सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो
इसी प्रकार कुछ और भी हम अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।